आप जो सर्वेलेंस हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को अपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है, आप ये भी हमको बताइए। संसद सिंह गर्जन तरुण तनय गौरवर गृहमंत्री अमित शाहर विचारे बहु प्रश्न उत्तर सीमा समस्या ड्रग्सर साम्राज्यके धरी बहु समस्याक लई सरब हल सांसद गौरव गगोई। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है कि इनके मोबाइल पर पेगासिस लगा है, आधार उनको सदन में रजू करना चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते आप, या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू कर या रखे। इनके पास एक भी आधार हो किसी पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का, यहां रखना चाहिए सदन पर। सांसद गौरव गगोई अभियोग सरकारे कांग्रेस नेता और सांबादिकर मोबाइल लगे पेगासिस। अमित शाहे यह मंतव्य करार पिछते पुनर गौरव गगोई मंतव्य मूर मंतव्य सदन मर्यादा लाघव करिसे नेकि लगे अध्यक्ष कले तथ्य प्रमाण सहकारे मंतव्य राखिले सदन मर्यादा बाहे। हम जो भी हम बात रखते हैं माननीय सदन उच्च सदन है और उच्च सदन में हम अपनी बात को तथ्यों प्रमाणों के साथ रखें तो सदन की मर्यादा बढ़ती है, ये मेरा आग्रह। लोकसभा मजियार सांसद गौरव गगोई गृहमंत्री विचारे आन बहुकटा प्रश्न उत्तर सीमा सुरक्षार कारण की व्यवस्था ग्रहण करिसे केंद्रीय सरकारे এতিয়াও অব্যাহত আছে ডাক্সৰ সৰবৰাহ। ডাক্সৰ সৰবৰাহ ৰোধ কৰিবলৈ কি ব্যৱস্থা লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে? सर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। माइक अपना बंद हो जाएगा। बहुत ही एक महत्वपूर्ण चर्चा आपने शुरुआत की, लेकिन सर ये चर्चा बहुत देर से हो रही है, क्योंकि मुझे याद है 2012 में जब हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने पंजाब के आज जो भी मुद्दे आज सदन में उठे हैं, 2012 में राहुल जी ने उस समय ही बोल दिया था कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण समस्या है, नशा को लेके हमको बहुत चिंतित होना है और ये इसे नशा से के कारण से पंजाब का जो युवा का जो भविष्य है वो अंधकार में हम धकेल रहे हैं। लेकिन उस समय जब सत्ता पक्ष जो हमारे यहाँ पे थे उनके राजनीतिक टिप्पणी आई, विभिन्न प्रकार से इन्होंने बोला, आलोचना की, तो हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि हम विपक्षी दल होने के नाते कोई भी मुद्दे अगर हम उठाएं तो उसका मतलब यही नहीं कि आप वहीं वहीं आलोचना कर दो, किसी मुद्दे में कोई मूल्य है और उस मूल्यों को समझे। कोविड में भी राहुल जी ने पहले बोला, आपने बात नहीं सुनी, आज चीन पर भी बार बार राहुल जी बोल रहे हैं कि आप एक इस पे एक ठोस कदम उठाइए, लेकिन आप सेना के पीछे आप छुप रहे हैं, जबकि सदन किसका है? सदन देश का है और देश के अंदर हमें सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उठना चाहिए, क्योंकि देश की जनता सरकारों को चुनती है ना कि सेना को। तो अगर देश की जनता सरकारों को चुनती है तो सरकारों का भी जवाबदेही होना बनता है। अगर आप आज ड्रग्स की हम बात करते हैं, ड्रग्स कहाँ से आते हैं सर? इधर पानी से आएंगे, सागर से आएंगे, या सीमा से आएंगे, या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विमान अड्डों से आएंगे? तो आज हम गृह मंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने एयरपोर्ट्स में अपनी किस प्रकार से सर्वेलेंस बढ़ाई है, आपने सी बॉर्डर पे किस प्रकार से अपने सर्वेलेंस बढ़ाई है, और अपने लैंड बॉर्डर पे आपने किस प्रकार की अपने सीमाएं बढ़ाई हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये तो कोई नया मुद्दा नहीं है। आप तो बार बार सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि सीमा सुरक्षा पे आपने किस प्रकार से हमारे सीमा सुरक्षा बल को आपने उनको और ताकत दी है। आज उत्तरी पूर्व में हम देख रहे हैं कि म्यांमार से विभिन्न प्रकार के आज आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, सारा प्रकार का ट्रैफिकिंग आज उत्तर पूर्वांचल हो गया है, एक कॉरिडोर बन गया है जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, एनिमल बॉडी पार्ट्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो बॉर्डर से जा रहा है। तो बॉर्डर का संरक्षण किसके हाथ में है? बॉर्डर का संरक्षण आपके सीमा सुरक्षा के हाथ में है, तो आप बताइए, आप हमें ये बताइए कि आप इंटेलिजेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें, सर्वेलेंस का आप किस प्रकार का इस्तेमाल करें? आप बार बार हमारे ऊपर तो स्नूपिंग कर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन पे पेगासस लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। आप मुझे बताइए पेगासस के द्वारा आपने कितने ड्रग्स नारकोटिक्स के माफिया को आपने पकड़ा है? आप जो सर्वेलेंस हम पे लगाते हैं, आपने कितने ड्रग्स के माफिया, बड़े बड़े माफियाओं को अपने सर्वेलेंस के द्वारा पकड़ा है, आप ये भी हमको बताइए। धन्यवाद सर। दूसरा मैं बोल रहा था कि हमको इंटेलिजेंस पे हमको सर्वेलेंस
जो बात जहां से उठी है, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी आधुनिक सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया है और कौन सी आधुनिक सर्वेलेंस के द्वारा अपने बड़े बड़े माफियाओं को पकड़ा है, ये हमें बता दीजिए। अगर तीसरी हमारी बात है फाइनेंशियल ट्रैकिंग, फाइनेंशियल ट्रैकिंग आपने किए, कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने लगाए हैं, क्योंकि ये जो सारे नार्को ट्रेड को लेकर जो सारे करोड़ों पैसे हैं कैसे जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, क्या ये क्रिप्टो से हो रहा है, क्या ये बैंक अकाउंट से हो रहा है, क्या ये बेनामी से हो रहा है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पकड़ने के लिए कौन से वो बड़े बड़े लोग हैं, उसके लिए आपने सरकारें क्या की है। जब दो और पॉइंट है फिर मैं बंद कर दूंगा। जन जागरण की हम बात करते हैं, जन जागरण की जब हम बात करते हैं तो हमको विभिन्न बेसरकारी संगठनों का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि वो नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रकार के जन जागरण के अभियान के द्वारा गांवों में जाएं, जो छात्रों के पास जाकर आप उनको बताएं कि इस पदार्थ की नशीली दवाई हमको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये सरकार बार बार FCRA को लेकर, जो सिविल सोसाइटी है उस पर बार बार ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और सिविल सोसाइटी को भी आज ढंग से काम नहीं करने देते। आखिरी बात है ये कि सर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, हम भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स बने। मैं खुद भी ड्रग्स को लेके अपने लोकसभा क्षेत्र में फिटनेस के लोके में दौड़ आयोजन करता हूं। अभी तक ड्रग्स के विरोध में मैं 2-3 महीने युवाओं के साथ दौड़ आयोजन किया है, लेकिन दौड़ के साथ हमारा जो छात्र है वो जानना चाहते हैं कि स्कूल में कोच कहाँ है, स्कूल में प्लेग्राउंड कहाँ है। तो ये सरकार स्पोर्ट्स की तो बात करते हैं, लेकिन स्कूल में कोच और स्कूल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया है वो बताइए। और अंत में सर मेंटल हेल्थ में सभी बातों ने, सभी ने ये कहा है, हम भी ये कहना चाहते हैं कि ये ड्रग्स एक कैंसर है, एक कर्कट का रोग है, और इस रोग में जो फंसता है उसको हमें एक किसी क्रिमिनल की नहीं कि वो एक रोगी की तरह उसको हम देखना चाहिए। और इसी तरीके से जहाँ पे हमें पुलिस और सीमा सुरक्षा पे जितना जोर देना है, साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन पे भी हमें जोर देना चाहिए। धन्यवाद। এনেদৰে গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।